तो उर्दू ज़बान का जिक्र आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं दौर जदीद में उर्दू ज़बान की बातें करना एक अजीब सी बात लगती है। लेकिन आर्ट काउंसिल ऑफ कराची में 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में नौजवानों का हुजूम इस बात की दलील है कि नौजवान अब उर्दू ज़बान पर दिलचस्पी रखते हैं। उर्दू ज़बान पे होने वाली मुख्तलिफ शिरकत और दीगर ज़बानों पर भी बात हो रही है और जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है शरीक है, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेज के तालिबे इल्म समेत दीगर शोबे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद भी मौजूद है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उर्दू आर्ट काउंसिल ऑफ कराची में 12वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस में किताबों के स्टॉल भी लगाए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों पर लिखी जाने वाली किताबें मौजूद हैं और 50% डिस्काउंट के साथ वो फरोख हो रही हैं। इन स्टॉलों में नौजवानों का भी हुजूम, नौजवान किताब खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं और नौजवानों की किताब खरीदने में दिलचस्पी इस बात की दलील है कि नौजवान दौर हाजिर का नौजवान किताबों से दूर नहीं बल्कि अब भी वो किताबों के करीब है। और आर्ट काउंसिल ऑफ कराची की एक और खास बात कि इस साल यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ लोग अपनी पसंदीदा चीज़ों को खरीद कर सस्ते दामों में खरीद रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है, ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इस बार तक जारी रहेगी। वक्तन वक्तन होने वाली प्रोग्रामों के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन शाहिदुर्रहमान, कैमरामैन आसिफ फौजा के साथ, रिपोर्टर शाहिदुर्रहमान के साथ, चैनल एक्स वाई जेड।